होशंगाबाद जिले के पिपरिया में गर्ल्स स्कूल के पीछे एक युवक से महिला ने लिफ्ट लेकर घर पहुंचकर युवक को पानी पीने के लिए अंदर बुलाया और दो महिलाओं एवं दो पुरुषों ने मिलकर युवक से 17,000 रुपए लूट लिए। आ रहा था जी मम्मी छोड़कर महेश्वरी जहाँ से मामा जी कमरा पे भयान के रोड पे आ रहा था, जय रोड बन रहा रोड पुलिया वाली जय रोड आ रहा तो मम के लिए घर का चलना है वो छोड़ दो मैंने छोड़ दिया होता है दो लड़की उन्होंने कहा मुझसे घुमा दिया जब आना के मैं तो उसको केस बनाऊंगा। उनको कहीं घर गए तुमसे? हाँ पानी पिया था मैंने गेट के बाहर है वहाँ के ले गई है मुझके लेंगे मुझको छोड़ दो तो मैंने उनको छोड़ दिया हाँ। छोड़ दिया हम उसको लड़की हमारे कह लेंगे हम तो केस बनाएंगे तो मेरे 17,000 रुपए छोड़ा मैंने कही क्या मैं थाने जाऊंगा थाने जाएगा तो तुमका कह थाना बंधा है तो पैसा देता हूँ घर अब तक क्योंकि तो कहाँ जाना है वहाँ चल जाना है। मैंने कि मैं होशंगाबाद या ममता है मैंने कि मैं होशंगाबाद जाऊंगा होशंगाबाद जाने के मैंने प्रिंस शिकायत करूंगा कौन है ऊपर के मैं पढ़ लिखो नहीं मैंने प्रिंस जान के कहूंगा मैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बलवंत पटेल निवासी उंटिया छाबरा बरेली का निवासी है जो गांव से अपनी मां का इलाज कराने पिपरिया आया था। बलवंत अपनी मां को एक निजी अस्पताल में छोड़कर अपने मामा के घर जा रहा था तब उसे रास्ते में ममता नामक महिला मिली और कहा मुझे घर तक छोड़ दो जिसे फरियादी बलवंत अपनी गाड़ी पर बिठाकर आरोपी ममता पटेल पति प्रेम सिंह पटेल निवासी सैमरीतला को घर के सामने छोड़कर जाने लगा तो आरोपी ममता ने कहा पानी पिलो और अंदर आने पर ममता और देवी कहार पति कमलेश कहार निवासी पचमई गुड्डू किरार पिता अंतर सिंह पटेल निवासी सैमरीतला अरविंद किरार पिता बद्री पटेल निवासी सैमरीतला ने उसके जेब में रखे 17,000 रुपए लूट लिए और कहा तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो तुम्हारे ऊपर 376 का केस करवा देंगे। जिसके बाद पुलिस ने फरियादी बलवंत पटेल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लूट की रकम 17,000 रुपए भी बरामद कर ली है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोप आया था हमारे पास उसने बताया था कि उसको किसी बहाने से ले जाकर 17,000 रुपए लूट लिए गए हैं और जो तस्दीक की गई उसमें ये पाया गया कि उसके घर में अनैतिक व्यापार के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है। इस संबंध में जब वहाँ तलाशी की गई तो सही पाया गया और जब घटना तस्दीक की गई तो सही पा कि आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया गया जेल में। सर क्या मामला दर्ज किया? इसमें 392 IPC जो कार्रवाई की थी। पड़ोसियों के अनुसार आरोपियों के मकान में रोजाना संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है जिससे इलाके में दहशत का माहौल रहता था। इनके पकड़े जाने से पड़ोसियों ने खुशी जाहिर की है। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।